वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जनसत्ता के साथ और मैं हूं कुमार संभव जैन। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में कोरोना वायरस से इन्फेक्शन होने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 12,380 लोग इन्फेक्टेड हैं और 414 अपनी जान गंवा चुके हैं। इस दौरान पीएम मोदी बार बार आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने के लिए कह रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री भी बार बार मोबाइल पर मैसेज भेजकर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अपील कर रही है। इस रिपोर्ट में हम इस ऐप को फोन में इंस्टॉल करने और उसे इस्तेमाल करने का तरीका समझते हैं, साथ ही आरोग्य सेतु ऐप के बारे में सब कुछ जानते हैं। मसलन ये काम कैसे करेगा, इसके फायदे क्या क्या है। आप भी मेरी ही तरह एंड्रॉइड यूजर हैं तो प्ले स्टोर पर आपको आरोग्य सेतु ऐप मिल जाएगा। गौर कीजिएगा कि प्ले स्टोर पर आरोग्य सेतु के नाम से मिलते जुलते कई ऐप हैं। आपको NIC EGOV मोबाइल ऐप वाली एप्लीकेशन ही डाउनलोड करनी है। अब हमारा ऐप इंस्टॉल हो गया है तो इसे यूज करने का तरीका समझते हैं। जैसे ही मैंने ऐप ओपन किया तो मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित टैगलाइन नजर आती है। इसके नीचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। अगले स्टेप में अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, गुजराती समेत 11 भाषाएं नजर आती हैं। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उसे चुन सकते हैं। मैंने अपने लिए इंग्लिश चुनी है। लैंग्वेज चुनने के बाद जैसे ही नेक्स्ट का बटन क्लिक किया तो कुछ स्लाइड सामने आ जाती हैं। पहले पेज पर लिखा है, हम सभी में भारत में फैल रही कोरोना वायरस महामारी को रोकने की क्षमता है। इसके बाद पूछा गया है, क्या आप चाहते हैं कि आपको ये जानकारी मिले कि कहीं आपके संपर्क में आया कोई व्यक्ति COVID-19 पॉजिटिव तो नहीं पाया गया है। अगली स्लाइड में लिखा है, ब्लूटूथ और लोकेशन जनरेटेड सोशल ग्राफ की मदद से आरोग्य सेतु कोरोना पॉजिटिव लोगों के साथ आपके संभवतः संपर्क को ट्रैक करता है। इसके बाद समझाया गया है कि आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने के बाद क्या क्या करें। इसमें स्टेप वाइज लिखा है, पहला स्टेप ऐप इंस्टॉल करें, दूसरा स्टेप ब्लूटूथ और लोकेशन को ऑन रखें, तीसरा स्टेप अपनी लोकेशन शेयरिंग को ऑलवेज पर सेट करें। इसके बाद दोस्तों और परिवार को भी ऐप पर जोड़ने की अपील की गई है। अब नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है कि कैसे कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ट्रैक कर सकता है। इसमें लिखा है, यदि आप जाने अनजाने में किसी COVID-19 पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको सूचित किया जाएगा। ऐप अलर्ट के माध्यम से निर्देश दिए जाएंगे। यदि आपको सेल्फ आइसोलेशन की जरूरत या आप में COVID-19 के सिम्टम होते हैं तो आपकी मदद की जाएगी। इसके बाद बताया गया है कि आरोग्य सेतु ऐप से आप कैसे अपनी, अपने परिवार और देश की मदद कर सकते हैं। आपको बता दूं कि ऐप इस्तेमाल करते वक्त आप कभी भी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। इसके लिए ऊपर राइट साइड में ए व आ साइन बना हुआ है। इसे क्लिक करते ही लैंग्वेज लिस्ट दोबारा ओपन हो जाती है। जैसे मैंने अब हिंदी चुन ली है, इसी तरह आप भी अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अब मैंने वापस अपनी लैंग्वेज इंग्लिश कर ली है। शुरुआती स्लाइड्स के बाद रजिस्टर पेज खुलता है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही एक और स्लाइड आती है जिसमें टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी का जिक्र है। इसमें डिवाइस लोकेशन, ब्लूटूथ और डेटा शेयरिंग की जानकारी दी गई है, साथ ही यूजर की सहमति मांगी गई है। आई एग्री या सहमत पर क्लिक करते ही ब्लूटूथ ओपन करने की परमिशन मांगी जाती है। इसके बाद लोकेशन को अलाउ करते ही मोबाइल नंबर फिल करने का ऑप्शन आ जाता है। नंबर फीड करते ही एक OTP आता है जिसे सबमिट करते ही ऐप में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होते ही एक नया पेज खुलता है। इसमें योर स्टेटस, सेल्फ असेस, कोविड अपडेट्स और ई पास के टैब्स हैं। योर स्टेटस में सबसे पहले बताया जाता है कि आपके इलाके में इन्फेक्शन का रिस्क कितना है। इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का तरीका समझाया गया है, साथ ही सुरक्षित कैसे रहा जाए इसकी भी जानकारी दी गई है। पेज में स्क्रॉल डाउन करने पर PM केयर्स फंड की जानकारी भी नजर आती है। अब सेल्फ असेस टैब को समझते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इस पर क्लिक करते ही एक मैसेज नजर आता है जिस पर अपने बारे में सही जवाब देने के लिए कहा गया है। यहाँ यूजर को अपना जेंडर, उम्र, सिम्टम्स, पुरानी बीमारी, विदेश यात्रा या COVID-19 पॉजिटिव किसी शख्स के संपर्क में आने के बारे में जानकारी देनी होती है। सारे जवाब देते ही बताया जाता है कि आप कितने रिस्क में हैं। साथ ही ये डेटा भारत सरकार के साथ साझा करने की अनुमति भी मांगी जाती है। अगले टैब में कोरोना वायरस के सारे अपडेट्स मौजूद हैं। इसमें देश के साथ साथ सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में इन्फेक्शन, मौत व ठीक हो चुके लोगों की जानकारी दी गई है।
ये डिटेल्स हेल्थ मिनिस्ट्री के डेटा के आधार पर लगातार अपडेट होती रहती हैं। इसके बाद अगला टैब ई पास का है, जो फिलहाल शुरू नहीं हुआ है। अब हम आपको समझाते हैं कि कोविड-19 के मरीजों को आरोग्य सेतु ऐप कैसे पहचानता है। इसके लिए मैं आपको एक बार फिर सेल्फ असेस टैब पर ले चलता हूं। इस बार मैंने अपनी डिटेल्स में खुद को खांसी, जुकाम और बुखार की जानकारी दी, साथ ही विदेश यात्रा करने के बारे में भी बताया। ऐसा करते ही मेरा स्टेटस हाई रिस्क जोन में बदल गया। इसके अलावा खुद को आइसोलेट करने, हर 2 घंटे पर टेम्परेचर चेक करने और तत्काल टेस्ट करने की सलाह दी गई। साथ ही आइसोलेट करने के तरीके, टेस्टिंग सेंटर की डिटेल भी दी गई। वहीं हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने के लिए भी कहा गया। हमारी इस रिपोर्ट में आपने देखा कि आरोग्य सेतु ऐप कितने काम का है। आप भी सेल्फ असेस करके चेक कर सकते हैं कि आपका रिस्क जोन क्या है, लेकिन आपको हर सवाल का जवाब बिल्कुल सही देना है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही लाइक, कमेंट, शेयर के अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।